नमस्कार। कोल एंड गोल्ड पार्ट नाइन्थ। कोल एंड गोल्ड के पार्ट नाइन्थ में अपन चर्चा कर रहे हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर इसके अगला पार्ट जो होगा उसके अंदर हम करेंगे चर्चा d2sp3 की, यानी दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन हमारे को दिखने में एक जैसे लगता है, sp3d2 और d2sp3। यानी यदि इनमें देखा जाए तो एक एस, तीन पी और दो टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और दिखने में ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम CH4 मीथेन का फॉर्मूला लिखें या H4C मीथेन का फॉर्मूला लिखें, उसमें कोई अंतर नहीं आता है स्ट्रक्चरली। लेकिन ये लिखने का ही अंतर नहीं है। यहाँ पर यदि हम बात करें sp3d2 और d2sp3, खाली लिखने का अंतर है। इनमें बहुत मूलभूत अंतर होता है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं sp3d2 की। sp3d2 में जैसा आप देख पा रहे हैं नीचे की स्लाइड में, एक s और तीन p ऑर्बिटल हमने काम में लिए, और तीन p के बाद में हम ले रहे हैं दो d ऑर्बिटल। अब ये दो d ऑर्बिटल कौन से काम में ले रहे हैं, ये फिक्स होता है। यानी ये हम t2g के दो d ऑर्बिटल नहीं काम में ले सकते। t2g मतलब dxy, dyz और dzx, इनमें से कोई दो हम काम में नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि sp3d2 से जो स्ट्रक्चर मिला हमारे को, वो स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड कहाँ सिचुएटेड होता है, वो होता है एक्स वाई और जेड एक्सिस के ऊपर। यानी मेटल के ऊपर, जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है Fe H2O 6+ आयन, एक्स आई को फेरेट थर्ड आयन है ना, सॉरी हेक्सा को आयरन थर्ड, फेरेट नहीं आएगा, ATM काम लेते हैं नेगेटिव आयन के लिए, हेक्सा को आयरन थर्ड आयन। तो इसमें छह पानी के मॉलिक्यूल जो है वो मेटल के ऊपर, छह पानी के मॉलिक्यूल जो कि लिगेंड का काम कर रहे हैं। लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं चर्चा करूंगा, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। लिगेंड वो स्पीसीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बॉन्डिंग के लिए उपलब्ध करवा सके, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उपलब्ध करवा सके। ठीक है, यहाँ उपलब्ध करवाना शब्द मैंने काम में लिया है, दान दे सके मैंने शब्द काम में नहीं लिया है, क्योंकि दान किसे कहते हैं, जो दे दिया जाए लेकिन वापस नहीं लिया जाए। जब उपलब्ध करवाना क्या है, ठीक है जब तक आपका काम चल रहा है आप भी इसको काम में लें, मैं भी इसको काम में लेता हूँ, लेकिन जब काम खत्म हो जाए और मैं यहाँ से जाऊँ तो अपना जो सामान है साथ लेकर के जाऊँ, तो वो हुआ उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन एटम लोन पेयर के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उपलब्ध करवाता है बॉन्डिंग के लिए। तो ये कहाँ उपलब्ध करवाता है, आयरन को उपलब्ध करवाता है ये उस ऑर्बिटल में या उस लोब में जो कि एक्सिस के ऊपर पाया जाए, क्योंकि एक्सिस के ऊपर जब पाया जाएगा तब ही आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अब हमारे पास में वो कौन से दो डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि इनके अंदर लोब जो है वो एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं, ये हमें पता है कि ये होते हैं ईजी ऑर्बिटल, यानी dx²-y² और dz² ऑर्बिटल। तो एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल और दो डी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग और रिसफलिंग, एम एंड आर पहले मिक्स होते हैं फिर रिसफल होते हैं, रिसफल होकर के हमारे को छह ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल शेप में छह sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे को देते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए आयरन थर्ड का, तो इसमें आप देख रहे हैं sp3+ का जो विन्यास है वो क्या है, d5 विन्यास है, और d5 के बाद में आगे के ऑर्बिटल जो है s, p और d आगे वाले इसके अंदर खाली पड़े हैं। अब यहाँ पर आगे का जब एग्जाम्पल अपन देखने वाले हैं d2sp3, उसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं इनमें से दो इलेक्ट्रॉन पेयर, दो जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाएंगे और यहाँ पर दो डी ऑर्बिटल्स आपको खाली मिलेंगे। इसके बारे में अपन d2sp3 में चर्चा करते हैं। अभी यहाँ पर खाली मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि चूंकि पानी क्या है, एक वीक फील्ड प्रोड्यूसिंग लिगेंड है, वीक फील्ड प्रोड्यूसिंग लिगेंड है, इसके कारण ये स्प्लिटिंग कम कर पाता है। अब स्प्लिटिंग के बारे में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर चर्चा करते हैं, वो बात की बात है। तो स्प्लिटिंग कम कर पाता है, या हम यूँ कहें स्प्लिटिंग से हमारा तात्पर्य क्या है कि डी ऑर्बिटल जो है t2g और eg सेट पहले तो अपभ्रंश होते हैं, डीजनरेटेड होते हैं, यानी सेम एनर्जी के होते हैं। जब इनके ऊपर लिगेंड अप्रोच करता है तो इनकी एनर्जी का मान पहले से थोड़ा सा बढ़ जाता है,
और उसके बाद में लिगेंड जब और नजदीक आता है तो रिपल्सन और अन्य कारणों से ये जो T2G और EG सेट थे जो कि बराबर ऊर्जा के थे, यानी तीन ऑर्बिटल इसमें थे और दो ऑर्बिटल इसको यूं देख लें कि तीन ऑर्बिटल और दो ऑर्बिटल ये एक ऊर्जा के थे, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, दो ऊपर तीन ऊपर दो नीचे या दो ऊपर तीन नीचे, ये डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग ऑक्टाइडल शेप में हो रही है या टेट्राइडल शेप में हो रही है। तो अब ये जो गैप हो गया है, जो पांच ऑर्बिटल थे आपके, पांच डी ऑर्बिटल, वो दो भागों में बट गए, तो इनके बीच में जो आप देख पा रहे हैं, तो यदि वीक फील्ड पोटेशियम लिगेंड होगा तो उनके बीच में गैप कम होगा। ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जो कि यहाँ पर भरा जा रहा है H2O में, आयरन में, तो आयरन में पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तीन एक दो तीन बढ़ने के बाद में चौथा यहाँ जाएगा और पांचवा यहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इतना ज्यादा गैप नहीं है, आसानी से इतना रास्ता तय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग कम हुई है, तो ये वीक फील्ड पोटेशियम लिगेंड होने के कारण ये स्प्लिटिंग कम करता है, इसलिए ये पांचों इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये हम आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, स्प्लिटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं, यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं अपन, इसलिए हम इसके अंदर कहेंगे कि चूंकि ये वीक फील्ड पोटेशियम लिगेंड है इसलिए पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फलस्वरूप हमें जो दो डी ऑर्बिटल्स चाहिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हम क्या करेंगे, आगे वाले दो डी ऑर्बिटल्स काम में लेते हैं, और हमारे को जो कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, छह sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, ठीक है। और इस कारण से इनका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, ये ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया हुआ है, चार नाम इसके दिए हुए हैं, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसने H2O ने, ये H2O क्या है, वीक फील्ड प्रोटीन लिगेंड है, इसलिए इसको वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। दूसरा नाम इसका दिया है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर बाहर के दो डी ऑर्बिटल्स काम में लिए हैं, इसलिए आप इसको बोल सकते हो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तीसरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं पांचों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड हैं, तो यानी इसके इसकी जो पांचों स्पिन है ओपन है, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। आप देख रहे हैं कि पांचों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पांचों जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, इनमें से कोई भी पेयर अप नहीं हुआ है, इसलिए इसकी सारी स्पिन क्या है, फ्री है, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ये सभी इसी के नाम है। डायग्राम इसका लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं, बीच में आयरन है और उसके चारों तरफ ऑक्टाहेड्रली 6 H2O व्यवस्थित है, जो कि ऑक्सीजन एटम के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उपलब्ध करवा करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसी का ये मॉडल दिया हुआ है, इसमें बीच में आयरन है Fe3+, और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रली व्यवस्थित हैं 6 H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये तो हमने बात की Sp3 D2 की, अब अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं D2